नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी पैरामेडिकल स्वास्थ्य विभाग की जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, बात करेंगे यहां पर कितने क्या पद शामिल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वेतन क्या है, आवेदन कैसे करेंगे, रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से एवं कितने पद शामिल किए गए हैं एवं इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, वेतन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे RCH नेमो प्रोग्राम है। नेमो पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ANM की पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका 10+2 यानी कि 12th न्यूनतम 45% के साथ पास होना अनिवार्य है एंड 18 माह का ANM का प्रशिक्षण मांगा गया है एंड झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एंड यहाँ पर टोटल वैकेंसी 31 है, वेतन आपका 11,500 रुपये है। नेक्स्ट पद है स्टाफ नर्स का, यहाँ पर भी आपका 10+2 मिनिमम 45% के साथ पास होना अनिवार्य है, 3 वर्ष का GNM का कोर्स एवं झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। वेतन की बात करें तो 16,564 रुपये है। नेक्स्ट पोस्ट है ब्लॉक डाटा मैनेजर का, तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिसिप्लिन एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट हैं, 15,750 रुपये मंथली वेतन है। नेक्स्ट पोस्ट है IDSP की पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे BE इन IT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन काउंसलर MTC की पोस्ट है यहाँ पे, तो मास्टर एंड बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन वाले अप्लाई करेंगे एंड आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेतन इसका 15,000 रुपये है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स SNCU की, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, 3 वर्ष का GNM का प्रशिक्षण एंड झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 9 पोस्ट हैं, वेतन 16,029 आपका मंथली वेतन रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स NBSU की पोस्ट है, यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन है, 1 पोस्ट है, 16,029 आपका वेतन है। अब यहाँ पे RBSK का प्रोग्राम है, तो फार्मासिस्ट एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए 10+2+ डिप्लोमा एंड फार्मेसी एंड बेसिक स्किल ऑफ कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है एंड उसका रजिस्ट्रेशन झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 6 हैं, 11,550 मंथली वेतन है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका 2 साल का ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का डिप्लोमा एंड 10+2 एंड उसका बेसिक स्किल ऑफ कंप्यूटर एंड झारखंड नर्सिंग झारखंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड की पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। 15,281 रुपये मासिक वेतन है एंड देखेंगे यहाँ पे ये अलग प्रोग्राम है NPSCE, यहाँ पर GNM वाले हॉस्पिटल अटेंडेंट सैनिटरी अटेंडेंट एंड रिहेबिलेशन वर्कर की वैकेंसी है। जो कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई करना चाहता हो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की, तो जिनका साइकोलॉजिस्ट का डिग्री डिप्लोमा है वो अप्लाई करेंगे, वेतन यहाँ पे 34,000 रुपये है। एंड साइकियाट्रिक की यहाँ पे पोस्ट है, NTEP की पोस्ट है यहाँ पे, जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस में काम किया हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है NTEP में। फील्ड का काम है STS की पोस्ट है, ये STLS की पोस्ट है यहाँ पे DMLT यानी कि ग्रेजुएट डिप्लोमा इन MLT मांगा गया है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। 2 महीने का आपका सर्टिफिकेट कोर्स लगेगा कंप्यूटर में एंड 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन NTEP एंड RNTCP में काम किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,491 वेतन है। नेक्स्ट पोस्ट है DMC LT NTEP, तो यहाँ पर भी आपका 10+2+ डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का DMLT एंड 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है RNTCP में एंड स्पेक्ट्रम स्मियर माइक्रोस्कोपी में आपने काम किया हो। 1 पोस्ट है यहाँ पे, 12,600 रुपये आपका वेतन है। एंड नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे TB हेल्थ विजिटर की पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेजुएट 10+2 एंड मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड TB हेल्थ विजिटर का कोर्स किया हो एंड एक्सपीरियंस हो आपके पास में MPW LHV ANM का हेल्थ विजिटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 पोस्ट है, 11,500 वेतन है। इसी तरह लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं एंड 16,767
रुपये आपका मंथली वेतन है, एक पोस्ट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थे आपकी क्वालिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है वो आपके कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा झारखंड के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पर लिखा है आवेदन हेतु अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2022 इसकी आवेदन की लास्ट डेट है। ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन संख्या है। फ्रेंड्स यह वैकेंसी NHM के द्वारा निकाली गई है झारखंड। तो यहाँ पर सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अदर राज्यों के यहाँ पर कैंडिडेट्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। एंड अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो एज है वो कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य के लिए 35 है, मिनिमम यहाँ पे 21 रखी गई है, OBC के लिए 37, अनुसूचित जाति जनजाति 40 एवं महिला सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है। तो ये है आपकी एज। अब हम बात करेंगे कि आप इस पद पर आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे एक आवेदन मिल जाएगा, ये है आवेदन, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली फिलअप करना है एवं अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है एवं अभ्यर्थी को डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2022, ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। एवं अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा कि इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक लिखित परीक्षा एवं स्किल टेस्ट दोनों में भी एक हो सकता है, या फिर जो भी हो वो बाद में पता चलेगा आपको कि रिटर्न टेस्ट है कि स्किल टेस्ट है, ठीक है। एवं यहाँ पर आपका जो आवेदन शुल्क है वो जनरल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के नाम से आपको देना होगा, ठीक है, आवेदन के साथ में अटैच करना है 17 अक्टूबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप इसको हमारे टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी विद अजय वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिला जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा पे आप यहाँ पर आना है नोटिस, यहाँ पर भर्ती, एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। रेगुलर भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऑल इंडिया भर्ती नहीं है, केवल झारखंड के लिए है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।